बुध 6 नवंबर 2023 को शाम को 4:11 पर शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि से निकलकर मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 राशियों के जीवन में इस समय अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्हें क्या कार्य कर इस गोचर को शुभ करना चाहिए, इन सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए बुध 3रे और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में अनिश्चितताओं और आयु के 8ठम भाव पर बुध का गोचर होगा। इस दौरान आप अपनी बातचीत में बदलाव का अनुभव करेंगे। हो सकता है आप अपनी वाणी से मुखर हो जाएं, आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल न रहे, इसलिए आपको बातचीत करते वक्त सावधानी जरूर बरतनी है। स्वास्थ्य के लिए बुध का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस समय अवधि में आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है गले से संबंधित कोई समस्या आपको इस समय अवधि में हो। वहीं आपके जीवन में इस समय अवधि में अचानक से कोई घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में तनाव में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से भी आप बेचैन नजर आएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। वहीं पैतृक संपत्ति से आपको इस दौरान कोई लाभ हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम बूंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध 2रे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के 7ठम भाव पर बुध का गोचर होगा। यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप अपने वैवाहिक संबंधों में मजबूती लाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अगर आप जिसे भी चाहते हैं उससे अपने दिल की बात कह पाएंगे। वहीं प्रेमी जातक अपने रिश्ते को विवाह बंधन में बांध सकते हैं या अपने प्रियतम को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलाएंगे। विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय भी कर सकते हैं। साझेदारी में किया गया व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यह गोचर आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाकर रखेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान जरूर करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर बुध का गोचर होने वाला है। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है। आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर इस दौरान धन खर्च करना पड़ सकता है। परिवार में भी विवाद के मुद्दों को यह गोचर जन्म देने वाला होगा। हालांकि यह गोचर आपके रोजमर्रा के कार्यों पर आपका ध्यान केंद्रित रखेगा। आप कार्यस्थल पर उत्साह के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे। कार्य के सिलसिले में यात्राओं के भी योग बनने जा रहे हैं और यह यात्राएं आपके लिए शुभ भी साबित होंगी। व्यापारी जातक इस समय अवधि में कोई भी बड़ा रिस्क न लें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह गोचर आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि दे सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध 3रे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के 5ठम भाव पर बुध का गोचर होगा। 5वें भाव पर बुध का गोचर होना विद्यार्थी जातकों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। छात्र जातक पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। जो छात्र मास कम्युनिकेशन, रिसर्च राइटिंग या किसी अन्य भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर काफी शानदार साबित होगा। जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी अच्छे संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिलने वाली है। प्रेमी जातकों के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपके बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है जिसके कारण प्रेमी या अपने जीवन साथी के साथ आपकी विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना है। गर्भवती महिलाओं को शिशु के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहना होगा। इस समय अवधि में आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बुध 2रे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं।
इस गोचर काल की अवधि में माता और शुक्र के चतुर्थ भाव पर बुध का गोचर होगा। इस समय अवधि के दौरान आप किसी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, साथ ही आप अपने घरेलू जीवन पर भी अधिक खर्च करते हुए नजर आएंगे। बुध के इस गोचर की अवधि में आप कोई घर, वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। घर परिवार में किसी पार्टी या पूजा का आयोजन हो सकता है। पेशेवर जीवन के लिए यह गोचर काफी लाभदायक सिद्ध होगा, विशेष रूप से जो रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, उन्हें इस समय अवधि में अत्यधिक लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश में दूर्वा जरूर अर्पित करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बुध लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन पराक्रम और संचार के तृतीय भाव पर बुध का गोचर होगा। यह गोचर आपको बातचीत करने में अधिक प्रभावी बनाने वाला है। आप अपने बातचीत करने के तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत गजब की रहने वाली है। जो जातक पत्रकार, मीडियाकर्मी, लेखक, काउंसलर, फिल्म निर्देशक, एंकर, स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी अपने क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपको कम दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप इस दौरान जाएं। भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम के दम पर आप पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह गोचर आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रखेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य आराधना करें। तो यह था बुध का वृश्चिक राशि में होने वाला गोचर, जिससे हमारी प्रथम की छह राशियां इस प्रकार प्रभावित हो रही है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।